अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स क्या हाल है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरे से हैं तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं आज हमने ये तो यूसुफ की कपड़े धोए हैं और यूसुफ की खाला ने यूसुफ वहाँ देखे दादी अम्मा के साथ कैसे आउटिंग कर रहा है मुझे कहता है हाय कहता फिर आ गई हो नानी अम्मा फिर आ गई है मैंने कहा मैं नहीं छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं घर गई थी प्यारे भी बस थोड़ी देर के लिए अभी फिर तारिक जो है ना हमारे दामाद साहब छोटे तो वो आए हैं लेने के लिए फिर मैंने कहा कि चलें चल मैं चली जाती हूँ अभी दो दिन और भी यहाँ पे रहूँगी थोड़ी देर के लिए दो घंटे के लिए मुझे ब्रेक मिली है जल्दी जल्दी मैं घर का काम ख़त्म करके आ गई तो अभी जो है ना ख, शाम की रूटीन है खाना का इंतज़ाम भी करेंगे इंशाल्लाह तो आज की वीडियो जो है ना बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप तमाम वीवर्स की राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और हमने ये जो है ना आप तमाम के ऊपर छोड़ दिया कि आप हमें बताएं कि हमने अपनी बेटी का नाम क्या रखना है अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम बहनें और भाई उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहनें और भाई और आफियत से होंगे अल्लाह पाक मेरी बहनों को भाइयों को हमेशा खुश खुशी आबाद रखे आस्था मुस्कुरा रखे आमीन सुम्मा आमीन तो अभी तक हमने बेटी का नाम नहीं रखा है वो भी सरप्राइज़ में रखा हुआ है नाम भी अभी काफ़ी जो मेरी बाहर की देखने वाली हैं मेरी फैमिली मेरी बहनें तो काफ़ी नाम उन्होंने हमें बताया क्योंकि मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ना बेटी का नाम कौन सा रखूं, तो किसी ने कहा कि अपना दुआ लकी नाम है वो रखें एक फ़ातिमा नाम है मैं एक यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि मेरी सिस्टर की दो बेटियाँ हैं ना उनका नाम एक का नाम दुआ है दूसरी का नाम फातमा है एक का नाम जो बड़ी 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 सिस्टर है उसका नाम एक एक की बेटी का नाम नूर है तो हम वो नाम रखेंगे जो हमारी जो बरदरी में, में नाम ना हो <laughs> तो हमने दो नाम अबू ने एक नाम अबू ने बताया है एक नाम अम्मी से पूछा है ठीक है ना दो नाम हम अम्मी और अबू के मशवरे से चलेंगे तो एक नाम जो है ना अम्मी ने बताया है और एक अबू ने बताया है एक का नाम जो है अबू जो अबू ने जो नाम बताया है वह है मुस्कान मुस्कान नाम रखें आप इसका और जो अम्मी का नाम है वो परी है कि आप इसका नाम परी रखें परी है। <laughs> तो फिर ये नाम दो हैं हम सोच के बताएंगे आपने भी यही इनमें से बताना है कि मुस्कान या परी इनमें से कौन सा नाम यानी कि आपको सही लगता है हम वो नाम रखें और आज मैं गया था थोड़ा बाहर अभी तकरीबन दो तीन घंटे पहले अपनी प्यारी सी चांस सी बेटी के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं और वो भी मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगा अभी क्योंकि फिर शाम का टाइम होने वाला है बस किचन में अभी चलते हैं सारा दिन आज काम शाम और ये माशाल्लाह माशाला साहिदापी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि चलो ये हमारा साथ दे रही हैं हमारे हर दुख सुख में हमारा साथ देती हैं माशाल्लाह ठीक है ना तो सासू मामी मेरी अभी इनको मैं दो तीन दिन नहीं जाने दा मैंने इनको कहा है कि आप काम शाम करके ना अपने घर आ जाया करो रात को आप इधर ही रहा करो घंटे की ब्रेक मिली है मुझे फिर मैं आ गई हाँ तो आप रात इधर ही रहा करो क्योंकि आपको पता है इन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है अभी तीन दिन तो सारे हुए चार दिन चार हाँ चार दिन हो गए हैं ऑपरेशन है। को अभी जो है ना मैंने कहा अभी थोड़ा आप इधर ही रहें एक तकरीबन हफ्ता पंद्रह दिन आप जो है ना साथ दें ताकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए फिर इन जो है ना दावत भी करेंगे और फिर इनशाला आगे के भी लोग भी और अच्छे आएंगे अभी आप चलो किचन में खाना छाना बनाओ हम भी पीछे आ रहे हैं ਔਰ ਦੇਖੀਂ ابو ਜਾਨ ਇਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆਂ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਹੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। 96 ਬੱਚੀ ਪਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ابو ਕੋ ਨਾਮ ਮਸਕਾਨ ਪਸੰਦੇ, ਅੰਮੀ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰੀ ਆਲਾ ਪਸੰਦੇ ਤੇ ਦੇਦੇ ਆਂ ਬਈਨਾ ਦੁਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਝਾ ਰੱਖੇ ਸੋ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ابو ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖੇ ਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀਂ ਮੂਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੀਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇਖੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੂਲੀਆਂ। ਅੱ비 ਨਾ हाँ ये देखे और गंदम हाँ अभी छोटी है ना और घास माशाल्लाह अच्छा हो रहा है हाँ तो बकरिया बा बा यूसुफ कहते है मेरी बकरिया बाय बाएं, बाएं कर रही हैं ऐसे यूसु हाँ इसको ना वो जो गाड़ियाँ चलती हैं ना हाल भी जाती इधर खेतों में तो वो कहता है मुझे दिखाओ बस और यहाँ पे एक बेर भी बिजाई हुई है ये भी अब सही हो रही है तो अभी चलते हैं किचन में आज देखते हैं क्या बना रहे हैं किचन में तो माशाल्लाह मैं किचन में पहुंच चुका हूं अभी किचन की सफाई वगैरह होगी और यहां पे भी काफ़ी कपड़े क्योंकि काफ़ी दिन से कपड़े बचे हुए थे ना तो ये भी अभी गीले हैं कपड़े तो ये सूख जाएंगे ना तो फिर इनको रात को उतार लेंगे और आज हम बना रहे हैं अंडे और प्याज अंडे और प्याज ये भी माशाल्लाह अच्छे बनते हैं हाँ, क्योंकि चाची कह रही थी कि इतनी तलब नहीं है खाने की तो इसलिए वैसे भी कल मेहमान भी आने वाले हैं हाँ, फिर चावल बनाएंगे, चावल बनाएंगे। हाँ। चलो देखते हैं जी कल मेहमान भी हमारे आने वाले हैं हाँ, वो आज भी उनका फोन आया है कि हम आ रहे हैं वीडियो बनाने मैंने कहा आज आप ना आए तो कल आप आ जाएं हाँ, सही है। हाँ कल इनशाला वो आएंगे माशाल्लाह किचन की सफाई हो जाएगी ना ये टोकरा एक मिनट टोकरा हटा देता हूँ मैं ये अब ठीक है ये टोकरे के बड़े फायदे हैं रात को बिल्लियाँ वगैरह तंग करती हैं ना तो वो इनमें सामान वगैरह रख के टोकरा दे दिया नहीं। बाहर नमी होती है फ्रिज में रखने की जरूरत भी नहीं होती तो सही कह रहे ऐसे पड़ा रहे ऊपर ढंक के रख दें तो इसके बड़े फायदे बासी दर सारा इकट्ठा करके ना इसको चूल्हे में डाल दो सारा कचरा ही है यह सारा वो लकड़ी का कचरा होता है ना जो ये वो वाला है क्योंकि वो लकड़ी अब जो है ना उनका जो सांगलियां वगैरह है ना वो अब गिर गिर जाती है नीचे ज्यादा सूखी हो ना फिर वो ऐसे ही करती हैं कचरा ज्यादा हो जाता है लकड़ी का और मैं ये लेके आया था आज सर्फ और हाँ चीनी भी खत्म हो गई थी ना ये अंडा उबला हुआ है आ, ये कैस का है, तो का है। अच्छा उसके लिए आज वक्त जल्दी उबाल के रख दिया है दो, दो तो भी एक, एक खाली है हाँ डॉक्टर ने कहा कीमा मैं आज गया था उधर ना हाँ। तो वो तो मिला नहीं है वो कहते हैं बकरे का कीमा वो फिर जाना पड़ता है तकरीबन यहाँ से चालीस किलोमीटर दूर है वो भी जुमेरात के जुमेरात के जुमेरात बनता है हाँ, फिर पता हो ना फिर ठीक है फिर मैं उनका नंबर ले कर आया हूँ मैंने कहा जब आप बकरा बनाना ना अभी वो कल शायद बनाएंगे या परसों एक दिन या दो दिन छोड़ के भी बनाते हैं गोश्त बकरे का वो तो मैंने उसको कहा है कि आप जब भी आप बनाना है तो हमारे लिए ना इसका कीमा जो है ना वो मैं उससे ले आऊँगा वन के जी भी ले आऊँ ना चलो चार पाँच दिन चल जाएगा हाँ चार पाँच दिन फिर वो चल जाएगा हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह इनशाला बस ये अभी है थोड़ी थोड़ी क्योंकि अभी मेडिसन चल रही है ना हाँ, ज़्यादा भी खाना उसने कहा नहीं खाना नहीं, है नॉर्मल हल्की ग़ा खानी है और इनशाला बस ये बहुत जल्दी जो है हाँ, ना सुबह भी हमने इसको थोड़ा चहलकदमी कराई है हाँ, तो अभी उसको थोड़ी सी चहलकदमी इनशाला थोड़ी देर में करवाएंगे तो हाँ अभी भी अंदर वो मेरे ख्याल में सासू मंदर बैठी है ना तो ये देखें ये देखिए ये जो मैं बेबी हाँ। के लिए लेके आया हूँ ना क्या बात है जी कितना खूबसूरत है अभी से जो है ना डिजाइनिंग शुरू कर दी है <laughs> और ये देखिए माशाल्लाह कलर भी बहुत खूबसूरत है सफेद और जो है ना सी ग्रीन कलर है इसका और ये इसके साथ, और ये इसके साथ है।, है और दूसरा दूसरा भी है ग्रीन एक हाँ, 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 और तो काफी सारे हैं लेकिन ये ये पिंक है ये पिंक कलर है अभी अभी जो है है, ना थोड़ी थोड़ी दिन को गर्मी होती है, हाँ। तो तो इसलिए नरम नरम अभी कपड़े थी, तो बाद में तक... काफी सारे इसके मैंने कपड़े लिए छोटे होते हैं जीरो साइज के हाँ। तो माशाला बहुत ही अच्छा जैसे जैसे ये चलना शुरू करेगी बड़ी हाँ। होगी तो फिर और इसकी माशाला आगे भी शॉपिंग करेंगे इनशालाट है माशाल्लाह तो तमाम प्यारे बहन भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को भाइयों को हमेशा खुश आबाद रखे आस्था मुस्कुराता रखे इन शाला एक अच्छे और प्यारे भी लोग में फिर मिलेंगे तब तक के लिए असलकुम